शिवानी। तुम यहाँ कैसे? एक बार प्लीज मैं, नहीं अरे एक बार सुन लो प्लीज यार, हाथ नहीं बोलूंगी मैं, बार बार तुम्हें नहीं समझा सकती एक ही चीज को शिवानी। तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज। अरे मैं नहीं करती हूँ, कैसे समझाऊँ तुम्हें ये चीज? प्लीज यार, क्यों मेरी जिंदगी हराम करके रखी हुई है? क्यों मुझे जीने नहीं दे रहे हो यार? बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो मुझे। सुन भाई मेरी बात को समझो यार, तुम भाई आप जो कह रहे हो ना उस चीज को करना बड़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि देखो कोई नॉर्मल लड़की होती ना, अगर शादी शुदा नहीं होती, कुंवारी रहती तो हम कर सकते थे मेरे भाई। ये क्या भाई, मैं जानता हूँ वो मेरे को अच्छे से करती है यार प्यार। आप जो कह रहे हो ना, जो करवाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है भाई, मेरे लिए, खास करके मेरे लिए। भाई आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं बोल एक चीज बताऊँ, कैसे वो लड़की, कैसे क्या प्रूफ है कि वो आपसे प्यार भी करती है? अगर प्यार करती तो आप एक साल तक उसकी हेल्प कर रहे हो, कहीं ना उस चीज की इज्जत करती ना, आपको क्यों घर से, मतलब घर में घुसने नहीं दे रही है? भाई 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं हम, और एक साथ कॉलेज भी पढ़े हैं हम, ठीक है, और वो मैं जानता हूँ कि वो मेरे को प्यार करती है। पढ़ना और क्लासमेट बनने में, और उसके बाद वो प्यार करती है, ये मायने रखता है? मेरी बात एक चीज़ बताओ आप, अगर वो प्यार भी करती है, वो क्यों अपनी सासू माँ को, जो अकेली बूढ़ी माँ है, उसे कैसे छोड़ के आ सकती है वो अकेले? भाई मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं उसकी माँ को छोड़ने के लिए कह ही नहीं रहा हूँ। कह रहा हूँ भाई कि तेरा प्यार गलत है या कुछ भी, मैं देखो मैं खुद मतलब इमोशन हो जाता हूँ, कुछ अलग बात हो जाती है प्यार की बात, लेकिन जो भी चीज़ है, कैमरा स्टार्ट करो यार। हेलो दोस्तों, मैं मासूम, हमारे साथ बैठे हैं रोहन भाई, और रोहन भाई इन सिचुएशन में क्यों फंसे हैं और यहाँ तक बातें आ गई है कि मतलब बंदा मेरे से भी नहीं, वो चीज़ हो रहा है, क्या है पूरी बात रोहन भाई बताएंगे। रोहन भाई पूरी बात बताओ, शुरू से लेके अंत तक अभी कहाँ तक मामला फंसा है, पूरी बात बताओ एक बार। भाई मेरा नाम रोहन है, और मैं शिवानी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन कुछ सिचुएशन की वजह से मैं उनसे वो बोल नहीं पा रहा था, और हम दोनों साथ में ना कॉलेज में पढ़ते थे, और उसका जो हस्बैंड था वो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ कारणवश उसके साथ दुर्घटना कुछ भी हुआ, लेकिन मैं नहीं बोल पाया था, कुछ भी नहीं बोल पाया था, लेकिन मैं उसको वो जो अभी जिस सिचुएशन में जी रही है ना, मैं वो नहीं देख सकता, और इसी ताकि वो खुश रहे सब कुछ, यार मैं बोल नहीं पा रहा, लेकिन वो स्ट्रांग बनो, ठीक है, जो भी होगा ऊपर वाले के हिसाब से सब सही होगा, टेंशन मत लो। फिर भाई जिस सिचुएशन में वो जी रही है ना, वो मैं उसे नहीं देख सकता उसमें, इसलिए मैंने उसके घर के सामने, और उसकी माँ भी है वहाँ पर, मैं ये भी नहीं चाहता कि उसकी माँ और वो दोनों अलग हो, मैं दोनों को साथ में, मैं उन दोनों का घर चाहिए। उनकी सासू माँ क्या है? उनकी सासू माँ है। अच्छा, विधवा हुए कितने साल हो गए आपकी क्रश जो भी आपको जिससे प्यार करते हो? भाई उसका भाई उनको 1 साल हो गया है। अच्छा शिवानी, 1 साल से मतलब वो विधवा है? हाँ, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाया था, मतलब मैं बोलना चाहता था। बताओ जब शादी हो रही थी आपने मतलब रोकने की कोशिश नहीं करा, प्रपोज कभी नहीं कर पाया? नहीं भाई मैं ऐसा नहीं कर, मैं एक होता ना कि अंदर से डर होता है, आप प्यार करते हो लेकिन एक्सप्रेस मतलब, नहीं कर पाते हो किसी को। मतलब आप सोच रहे थे रिजेक्शन का डर लग रहा था? हाँ मुझे रिजेक्शन का डर लग रहा था। तो भाई पता है आप रिजेक्शन, भाई जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो ना, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इस चीज़ का बढ़ावा दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं उनसे ये कहूँगा अगर प्यार करते हो ना तो बोलो, क्या पता रिजेक्ट हो जाओ तो कोई बात नहीं, थोड़ा वो बुरा कम लगेगा, लेकिन रिजेक्शन के डर से अगर नहीं बोलोगे बात आगे बढ़ी, क्योंकि ये भाई साहब जिस लड़की से प्यार करते थे, वो लड़की की शादी होगी, और शादी होने के जस्ट बाद 1 साल बाद उसका पति भी डेथ हो गया, अभी 1 साल से वो विधवा है, और बंदा इस सिचुएशन में फंसा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद विधवा होने के बाद ये होता कि मतलब मैं उसके मतलब मोरली हेल्प करना चाह रहा था, मैं उसको, मैंने उसी के सामने मतलब दुकान खोली थी, उसकी उसकी जो माँ है उनकी हेल्प करता था मैं, उनकी हेल्प और जो शिवानी थी मतलब दोनों नहीं थे, क्योंकि उनके घर में कोई मेल वर्जन कोई नहीं था मतलब, तो मैं उनकी हेल्प करता था हर सिचुएशन में, ताकि उनको कोई आगे परेशानी ना हो, जैसे कि गैस हो गया, गैस हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब राशन से रिलेटेड कुछ भी हो गया, लेकिन एक मैं उसे ना बस कैसे भी करके भाई उसे खुशियां देना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन आगे सफर तक मैं, हाँ मैं उसके साथ आगे लाइफ, मैं नहीं चाहता कि वो जब अब जिस सिचुएशन में वो जी रही है ना, वो बात क्यों करना बंद की ये बताओ पहले आप, क्योंकि भाई मैं उससे बोलना चला गया, मतलब ये बोल जब उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे,
तो मैंने उनको अपना प्रपोजल रखा रखने अच्छा। की कोशिश कर रही थी, लेकिन अच्छा। उन्होंने फिर मेरे एक साल से मतलब अंदर मेरे को बुलाना और मतलब उन्होंने मेरी एंट्री बंद कर दी। आपने उनको अपना प्रपोजल रखा शादी की, तो वो आपकी एंट्री बैन कर दी, आपसे बात नहीं कर रही, आपसे मिल नहीं रही। बिल्कुल भाई। और अभी भी आशा लगाए हो कि आपको शादी कर? मैं भाई मैं चाह, मेरे को पता है, डेफिनेटली पता है, वो मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन बस वही है ना, वो जिस सिचुएशन में वो फंसी हुई है वो अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहती है। मैं आपके सामने एक बार और कॉल करता हूँ, देखो अगर वो आ जाती है यहाँ पे तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो फिर मैं वीडियो बंद कर दूँगा। ठीक है भाई, एक बार भाई आप ट्राई करो ना प्लीज़। हेलो, हाँ शिवानी जी, क्या हो गया? मैडम आज आने वाले थे, अभी तक नहीं आए, एक घंटे हो गए। यार मैंने आपको कितनी बार समझाऊं मैं आपको कि मैं नहीं आ सकती, आपको समझ में क्यों नहीं आती है ये बात? शिवानी जी आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, देखो अगर कुछ बात ऐसी होती है ना, कभी कभी हाथों से निकल जाती है, अगर मेरे हाथ में नहीं होता ना, अगर मना कर दिए थे हम दोबारा नहीं बुलाते। कुछ ऐसी चीजें, किसी की जिंदगी और मौत की सवाल है, आप देख लो। अगर मेरी बात सुनो, आप पहले घबराओ मत, आपके घर के सामने जो पार्क है ना वहीं पे हूँ, पब्लिक प्लेस पे है, कोई घर में नहीं बुला रहा हूँ, प्राइवेट जगह नहीं बुला रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। यार खड़े खड़े मैं नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मेरी माँ जी भी मेरे घर रहती है। कोई बात नहीं, मैं नहीं आ सकती। कोई बात नहीं, आप 5 मिनट के लिए आओ, फिर आप तुरंत चले जाना, खड़े खड़े आना, खड़े खड़े जाना, बस एक आदमी से मिल लो, देख लो, बात कर लो, फिर आप चले जाना प्लीज। ठीक है, मैं आ जाऊँ। मैं पार्क के अंदर गेट के एंट्री करोगे ना, जैसे गेट नंबर 1 से मैं दिख जाऊंगा आपको, आपके घर के आगे वाला पार्क। ठीक है, आ जाऊंगा। भाई आप क्या करना है बताओ। भाई मैं उसे यहाँ पर जो भी मेरे में मैं मन में है मैं उसे बोलूँगा, तो समझाऊंगा कि मैं, देखो मैं यहाँ से अभी तो तुम जाओ। ठीक है मैं जब बुलाऊँगा आप आ जाना। ठीक है भाई, ट्राई जरूर करना प्लीज। बाकी दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहो। हेलो, बैठे ना यार, आप ये क्या मतलब क्या ड्रामे करवा रहे हो, बार बार फोन करना, परेशान करना। शिवानी जी मेरी बात सुनो, आप रिक्वेस्ट, जब आप यहाँ आए हो तो बात सुन लो मेरी, सी 2 मिनट, बाकी आपको जो क्या करना। बात सुनो, आप बार बार एक ही बात का रट्टा लगा के रखा हुआ। ठीक है तो मैं आ गया ना, उसे मैं बस बुला देता हूँ, देख लो उसे, मिल लो ना, 2 मिनट आपको मैंने बोला है ना, बस 2 मिनट रुक जाओ प्लीज। देखो पब्लिक प्लेस पे, आप घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे घर के पास का एरिया, मेरी कितनी बदनामी होगी कि कुछ बदनामी, मैं आपको देखो जो भी बात होगी दूर दूर से हो रही है ना, हमारी कुछ ऐसी सीन है भी नहीं जो आप इतना सोच रहे हैं, मैं बस लेके आ रहा हूँ उसको, 2 मिनट रुक जाओ। शिवानी तुम यहाँ कैसे? एक बार मेरी बात तो सुन ले यार। क्या सुन लो, तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पे? एक बार मेरी बात तो सुन लो। क्या सुन लो, एक मिनट, तुम्हें उसी लड़के ने बुलाया ना, तुम उसके साथ मिले हुए हो ना, क्या करने आए हो तुम यहाँ? कोई गलत इंटेंशन नहीं यार, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अरे क्या प्यार 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 प्यार, पागल हो गए हो क्या यार रोहन, तुम समझ में नहीं आ रही क्या तुम्हें एक बार में बात? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता, मैं तुम्हें 1 साल 5 साल से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था, लेकिन मैं एक बार मेरी बात तो सुन लो आप। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक बार नहीं, मैं तुम्हें 1000 बार बोल चुकी हूँ कि मैं एक विधवा हूँ और मैं तुमसे अब किसी भी तरीके का कोई भी रिश्ता नहीं रख सकती। नहीं यार मैं समझ सकता हूँ तुम नहीं बुला पा रही हो, लेकिन मैं तुम्हारा और तुम्हारी पूरी फैमिली, जो भी तुम्हारी माँ है, मैं उनका ध्यान रखूंगा। अरे यार देखो, अगर तुम्हें यही ड्रामे करने हैं ना, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, ठीक है, समझ आ गई बात? और अब दोबारा मेरे को फोन मत करना, और उसको भी बोल देना एक बार प्लीज। अरे एक बार सुन लो प्लीज यार, हाथ छोड़ो यार, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो यार, प्लीज प्लीज यार, यार रोम यार प्लीज मेरी बात सुन लो यार, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ यार, एक बार बैठ जाओ ना प्लीज, प्लीज एक बार बैठो प्लीज, हाथ दूर रखो मेरे से, ठीक है, मैं हाथ नहीं करूँ, प्लीज बैठो यार। हाँ बोलो। मेरा यार देखो मेरी बात सुन यार, देखो ऐसे मत बैठो, लोग देखेंगे मेरे बारे में क्या सोचेंगे यार। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, देखो यार मैं तुम्हें 5 साल से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन यार प्लीज मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कुछ। यार देखो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मेरे हस्बैंड की डेथ को अभी सिर्फ 1 साल हुआ है, ठीक है, मेरे घर पे मेरी माँ जी है, मैं उनको नहीं छोड़ सकती हूँ, ना ही मैं उनकी चीज़ों के अगेंस्ट जा सकती हूँ। मैं समझ सकता हूँ, देखो मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ जी का दोनों का ख्याल रखूँ, मैं तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि निकलना उस सिचुएशन बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें जो तुम हालत में जी रही हो ना, मैं नहीं देख सकता तुम्हें उस हालत में। अरे तो सबको ऐसे ही जीना पड़ता है, कोई मैं अलग नहीं हूँ, ठीक है, विधवा होने के बाद हर लड़की को अपनी जिंदगी ऐसी बितानी पड़ती है, समाज उसे जीना नहीं देता। तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे यार?
मुझे पता है यार तुम नहीं जीना चाहती हो ये सब, लेकिन तुम समाज की वजह से डर रही हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, समाज कुछ नहीं कहेगा यार। अरे सब कहेंगे, मुझे अपने माँ बाप की इज्जत, अपने हस्बैंड की माँ की इज्जत, सब कुछ देखना है। तुम्हारा तुम क्या है यार? यार प्लीज ये रोना बंद करो, लोग देख रहे हैं यार। क्यों? मैं तुमसे यार बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ यार। मैं नहीं कर सकती ना, मैं कितनी बार तुम्हें एक ही चीज समझाऊं, बार 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 बार। समझो यार मेरी बात। मैं नहीं समझ सकती, मेरी माँ जी का क्या होगा? मैं जानता हूँ। एक सेकंड, मैंने ना उनके बेटे से वादा किया था कि मेरे आखिरी पल भी उनके ही घर में बीतेंगे, ठीक है? मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी और मैं जिंदगी भर उनकी सेवा करूंगी। मैं उन्हें छोड़ने वादा नहीं तोड़ सकती। मैं उन्हें छोड़ने के कह भी नहीं रहा यार। नहीं, मेरी बात को तो समझो। मैं कुछ नहीं समझना चाहती। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन यार मैं कैसे बताऊँ यार तुम्हें? यार 4 साल मैंने तुम्हारा वेट करा है और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे ऐसे जियो यार। तो मैं क्या करूं तुम्हारे वेट? मैंने कहा था मेरा वेट करो यार। लोग 5-5 दिन के रिलेशन को अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं अपने एक दूसरे को, लेकिन वो छोड़ के चले जाते हैं एक दूसरे। लेकिन मैं तुम्हारा मैं जाता तुम्हें यार, मैं जताना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो 5 साल तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा। मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने ड्रामे किसी और के से। यार तुम्हें रोका नहीं है, तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ, ठीक है? अरे एक बार सुनो, बैठो यार प्लीज। हाथ छोड़ो मेरा पहले, मैं छोड़ दूं एक बार पहले मेरा हाथ छोड़ो प्लीज यार। क्यों मेरी जिंदगी हराम करके रखी हुई है? क्यों मुझे जीने नहीं दे रहे हो यार? यार क्यों नहीं समझ रही हो यार तुम? मैं क्या कह रहा हूं, मेरे को ना बख्श दो। हाथ छोड़ रही हूं मैं तुम्हारे सामने यार। मैं देखो, मैं जो यार रोहन देखो क्या हो गया, क्या कर रहे हो यार ये सब? मैं कुछ नहीं यार, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अरे मैं नहीं करती हूँ, कैसे समझाऊं तुम्हें ये चीज? रोहन प्लीज हटो यार, प्लीज ऊपर बैठ जाओ आराम से। समझो यार, रोना बंद करो, ऊपर बैठो। देखो सब लोग कोई देखेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा यार? पहले एक बार मेरी बात और सिचुएशन को तो समझो यार, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम मेरी चीज नहीं समझ रहे हो, तुम्हें ना हद से ज्यादा मुझसे अच्छी लड़कियाँ मिल जाएंगी। मुझे नहीं यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार। अपने माँ बाप को देखो, अपने माँ बाप की पसंद से कर लो। मैं यार मुझसे ज्यादा प्यार करेंगे तुमसे? मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं जिसको नहीं जानता मैं उसको कैसे प्यार कर लूंगा यार? यार मैं नहीं कर सकती। मैं यार एक साथ हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, लेकिन तुम समाज के चक्कर में नहीं बोल पा रही हो कुछ। हाँ, क्योंकि उसे समाज में रहना है मुझे। लेकिन समाज में यार घुट घुट के थोड़े ना ले सकते हैं यार। तुम क्या चाहते हो, मैं तुमसे शादी करके अपने घर वालों की जिंदगी खराब कर दूं? मैं नहीं कह रहा यार, तुम अपने घर वालों की जिंदगी खराब करो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो। मैं खुश हूँ, मैं जैसी भी हूँ जहाँ भी हूँ मैं बहुत खुश यार। बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे यार हाथ मत छोड़ो प्लीज, मेरे को छुओ मत एक तो, ठीक है? मेरा पीछा छोड़ दो बस, मैं इतना चाह रही हूँ तुमसे अब। यार मैं नहीं छोड़ना चाहता यार। अरे यार रोहन तुम समझते क्यों नहीं होगी, तुम्हें मुझसे अच्छी दूसरी कोई लड़की मिल जाएगी यार। अगर मुझे दूसरी लड़की चाहिए होती तो मैं 4 साल तुम्हारा वेट थोड़ा ना करता यार। अरे यार तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? अच्छा एक बात बता, चलो मैं शादी कर भी लूंगी, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे रिश्तेदार कुछ जीने नहीं देंगे, ताना मार मार के ना जान से मार देंगे उनको। मैं देख लूंगा, मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं है। नहीं मुझे बस तुम चाहिए यार। मैं नहीं कर सकती, देखो मुझे जाने दो, तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे जाने दो यार। अरे लेकिन तुम प्लीज प्लीज यार बैठो, छोड़ो यार मेरा, तुम बैठो, तुम मेरी बात तो सुनो यार प्लीज यार सुन लो यार। तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो रोहन? क्यों मेरी जिंदगी खराब कर रहे हो? खड़ो पहले यहाँ पे, खड़ो रोहन, खड़ो के यहाँ चुपचाप बैठो यार। देखो समझो प्लीज मेरी बात को, मैं नहीं रह सकती यार लेकिन मेरे को पूरी लाइफ अपनी ऐसे ही जीनी पड़ेगी, समझे? तुम्हें ऐसे थोड़ा ना चाहता हूँ यार, तुम ऐसे, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी लाइफ जियो, मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो यार। पर मेरी मजबूरी है, मुझे ऐसे ही जीनी पड़ेगी। तुम अपनी जिंदगी जियो यार, तुम्हें पूरी लाइफ पड़ी है तुम्हारे पास अभी, तुम्हें और बहुत लड़कियां हैं यार। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? क्या समझो यार? यार मैं समझो प्लीज, मैं तुमको ही सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। मत करो यार ये सब, लेकिन मत करो ये चीजें। मैं नहीं कर सकती यार, चीज को समझो इसे प्लीज, मेरी बात समझो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा हमेशा। नहीं यार मैं नहीं कर सकती, मुझे माफ करो, आप अपनी जिंदगी पे ध्यान दो, मैं नहीं कर सकती बस, मैं इतना ही बोलूंगी। मैं बार बार तुम्हें नहीं समझा सकती एक ही चीज को। शिवानी समझो क्या हो रहा है। माँ जी आप यहाँ कैसे?
तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बोलो ना उनसे जो सच है। ड्रामे मत करो यहाँ पे। तुम सच मत बोलो और सच बोलो ना। तुम भी बैठो यहाँ पे, मुझे सच बताओ क्या बात है। सच बताओ, तुम प्यार करते हो उससे? हाँ। और शिवानी क्यों? नहीं माँ जी, मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती, और आपको तो बहुत अच्छे से पता है ना। क्या शिवानी जी, क्या चल क्या रहा है मैडम? यार कितनी कितनी जिल्लत करवाओगे मेरी? मैं जिल्लत करवा रहा हूँ? क्या करवा रहे हो तुम मेरी माँ जी के सामने? मेरी सच बता दो, आज जो भी है अभी हो जाएगा। ये पहले बताओ, आपसे हमारी कितने दिन से बात हो रही है? बड़ी चार पाँच दिन। मैंने आपको सारी बात इसके बताया ना, आपने देख ली ना आंखों से? अब समझ में आया क्यों बुला रहा था मैं आपको? ये मन में जो बना के रखी हो ना बातें, उसको निकालो। तुम्हारे भी दिल में उसके लिए प्यार मैंने आज देख लिया है, वो ज्यादा है या कम है जो भी है। बेटा ऐसी जिंदगी कब तक काटेगी? माँ जी आपको तो बहुत अच्छे से पता है ना कि मैंने उससे वादा किया था। ठीक है, मैं कैसे उस वादे को तोड़ सकती हूँ? तोड़ नहीं सकती, अंकित तो गया बेटा। आपकी जिंदगी भी पूरी आपके सामने खड़ी है, मुझे आपको देख के भी दुख होता है। मेरा बेटा तो गया लेकिन बेटा सारी जिंदगी पड़ी है। आप अंकित की बात कर रहे हो ना? अंकित वहाँ है, उसको वो चीज देख के खुशी हो रहा होगा। हाँ। मेरी बीवी इतनी परेशान है। नहीं तुम इजाजत देती हो तुम उससे? नहीं माँ जी मैं नहीं जा सकती। नहीं तुम मुझे मेरे उस पे छोड़ दो, आप इससे करो, वो भी लड़का अच्छा है। बहुत हमारा समाज कैसा? समाज को मैं बोलो भाई क्या करना है? समाज के बारे में बोल रही है, बताओ इसको कि समाज को तुम संभालोगे? बोलो। मैं संभाल लूं यार, हम कहीं और जाके रह लेंगे। मेरे को नहीं भरवा, मैं माँ जी को भी साथ में, मैं कौन सा कह रहा हूँ माँ जी को छोड़ो? मैं कभी नहीं छोड़ के, मैं वादा तोड़ने के लिए आपसे कह ही नहीं रहा हूँ। मैं माँ जी के साथ रह लूंगा, आपके साथ भी रहूंगा। अब हो तो गया प्रॉब्लम सॉल्व, ये माँ को कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया खत्म। आपको भी साथ रखना चाहता और आपकी माँ को भी साथ रखना चाहता, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? किसके किस बात से डर रहे हो? आगे की जिंदगी सुखी मिलनी चाहिए बस। जाने वाला तो मेरा बेटा चला गया, लेकिन अब तुम ये वादा करो कि तुम इसको अच्छे से रखोगे, ये खुश रहे जैसे अंकित रखता था। मैं वादा करता हूँ माँ जी, और मैं तुमसे भी वादा करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। शिवानी मुझे कोई इतराज नहीं है, समाज से मैं निपट लूंगी। तुम्हारी आगे की जिंदगी अच्छे से बीते, पूरी जिंदगी तुम्हारे आगे पड़ी है, तुम जवान हो, पूरा देखना है तुमने, तुम करो। मुझे वो मंजूर है। आप दोनों खुश रहो, आपका है, लेकिन एक वादा मुझसे करके जाना कि इसको जिंदगी में कभी कोई कमी कोई दुख नहीं दोगे। आंटी टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं हूं ना। जैसे मेरा अंकित इसको रखता था उससे भी ज्यादा बढ़ के तुम इसको रखो। आज आप, मैं इसे हमेशा खुश रखूंगा और कभी भी किसी चीज की इसको कमी नहीं होने दूंगा। बस मैं तुमसे यही हाथ जोड़ती हूँ बस। माँ जी आप हाथ मत जोड़िए, आप भी मेरे साथ रहिए। ये भी मेरी बेटी है, बहू नहीं है मेरी। आप भी मेरी माँ की तरह है माँ जी।